हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पेपर टू यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। साथ ही साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक हमने टोटल चार टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें हमने मेनली पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, देन हमारा जो गवर्नमेंट है उसका फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, साथ ही साथ हमने जाना पीएसयूज के बारे में, और फाइनली हमने कवर किया था यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हमने डिफरेंट एग्जीक्यूटिव बॉडीज के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने हमारी जो लेजिस्लेचर है उनके बारे में और जुडिशरी किस तरीके से काम कर रही है, इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस और ये सारी चीजें हमने पढ़ी। आज हम इसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक प्लान्स एंड प्रायोरिटीज की। प्लान्स एंड प्रायोरिटी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हर साल एक या दो क्वेश्चन आपको प्लान्स एंड प्रायोरिटी से मिल ही जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला टॉपिक नहीं है प्लान्स एंड प्रायोरिटी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, पहले थोड़ा सा सिलेबस को ओवरव्यू करेंगे एंड देन कौन कौन से टॉपिक्स हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। प्लान्स एंड प्रायोरिटी बेसिकली होते क्या है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री है उसको अगर अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है, जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री के पास रिसोर्सेज अल्टीमेटली होते लिमिटेड सेंस में ही है, तो जो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से प्लान करने की प्रोसेस है उसी को तो प्लानिंग एंड प्रायोरिटीज कहा जाता है, प्लान कहा जाता है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, अब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के सामने भी ये चैलेंज था कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाने स्टार्ट करे थे। 5 ईयर प्लान में वो अगले 5 सालों के लिए कौन से सेक्टर्स को टारगेट करना है, कौन से सेक्टर्स को नहीं, और उन सेक्टर्स में कितनी ग्रोथ रेट उनको अचीव करनी है, ये सारी चीजें वो डिसाइड करते थे। 5 ईयर प्लान अच्छा खासा चला, 2017 लास्ट में 12th 5 ईयर प्लान, यानी कि कुल मिला के 12 5 ईयर प्लान जो है वो अभी तक आ चुके थे। 2017 के अंदर जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 तक था, और फाइनली फिर गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान बंद कर दिए। तो क्या हमारे यहाँ अभी भी प्लानिंग नहीं होती? जी बिल्कुल होती है प्लानिंग। तो कैसे होती है? हमारे यहाँ जैसे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके अब बना दिया नीति आयोग। प्लानिंग अभी भी होती है, बट अब किस टाइप की प्लानिंग होती है, जो प्लानिंग का नेचर है वो काफी चेंज हो चुका है। पहले प्लानिंग डायरेक्ट की जाती थी कि ऐसा करना ही पड़ेगा, अब प्लानिंग जो है वो एक एडवाइस के तौर पे देखी जाती है। साथ ही साथ क्या बड़े डिफरेंस आए हैं 2015 और 17 के बाद में, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको इस टॉपिक के बारे में जरूर आइडिया होगा, इसमें ज्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। इसमें बेसिकली हमें दो ही चीजें पढ़नी होती है, एक तो प्लानिंग कितने टाइप की होती है, और दूसरा हमें पढ़ना है हमारे यहाँ की प्लानिंग मशीनरी क्या है। और प्लानिंग मशीनरी में भी ज्यादा कुछ नहीं, मेनली सेंट्रल लेवल पे वी विल स्टडी अबाउट द नीति आयोग, एंड उसके अलावा हम बात करेंगे नीति आयोग के अलावा जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, स्टेट लेवल पे प्लानिंग बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं, और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, उन सब के बारे में। ये प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग कमीशन के बाद में बने हैं नीति आयोग, और वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक तो ऑब्वियसली डिस्कशन के रहेंगे। और ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा एग्जाम परस्पेक्टिव से हमारे लिए खास है। चलिए सिलेबस की बात करते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर दी गई हैं। फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर मेंशनड है वो है मशीनरी ऑफ प्लानिंग। अभी मैंने बताया मशीनरी ऑफ प्लानिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। मशीनरी ऑफ प्लानिंग के अलावा प्लानिंग कमीशन का रोल, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, तो क्या अभी भी हमें पढ़ना पड़ेगा? ये तो बैंड हो चुका है, इसको तो रिप्लेस किया जा चुका है प्लानिंग कमीशन को, तो क्या हमें अभी भी पढ़ना पड़ेगा? देखिए पढ़ना आपको थोड़ा सा पड़ेगा, बट खास करके प्लानिंग कमीशन की अचीवमेंट और प्लानिंग कमीशन की ऐसी क्या कमियां थी जिसके बाद में इसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया, तो ये चीज आप समझ लीजिए एग्जैक्टली कि हाँ रोल, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन प्लानिंग कमीशन का भी और नीति आयोग का भी आपको देखना पड़ेगा। फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसको हम एक टॉपिक मान के चल रहे हैं मशीनरी ऑफ प्लानिंग को।
फर्स्ट टॉपिक तो ये हो गया। सेकंड टॉपिक जो है वो है आपका इंडिकेटिव प्लानिंग। जैसे इंडिकेटिव प्लानिंग होती है ना, इंडिकेट करना, ये करना है आपको, हद से हद ये तो करना ही करना पड़ेगा आपको। सो इंडिकेटिव प्लानिंग, इसके अलावा प्लानिंग प्रोसेस ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन, मतलब जो हम प्लान बनाते हैं, 5 ईयर प्लान बने, अब चाहे 3 ईयर्स का एजेंडा हो हमारे पास, 30 ईयर्स का, वो बनते कैसे, एक्चुअल में प्लान फॉर्मुलेशन होती कैसी है, यूनियन लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा अब क्या है, पहले यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे होता था, लेकिन फिर 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट आए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए, कौन से, 1992 में, और 1992 के बाद में हमने एक्सेप्ट कर लिया डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हमें देखना है, और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में भी किस पर्पज से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्यों इंट्रोड्यूस की थी हमने, फॉर सोशल जस्टिस, कि उनको भी तो खुद के लिए डिसाइड करने का मौका मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस, एंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ज्यादा नहीं है, अगर मैं इसको बहुत छोटे छोटे टॉपिक में भी बाइफरकेट करूं इस पूरे टॉपिक को, तो भी हद से 3 या 4 टॉपिक ही बनते हैं, और कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको एक बार में ही कवर कर लिया जाएगा, यानी मैक्सिमम 2 क्लास में हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। एक एक क्लास और एक्स्ट्रा मान सकते हो जिसमें हम PYQs को डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग की। प्लानिंग के भी टाइप्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। किसने स्टार्ट किया था सबसे पहले, USSR ने स्टार्ट किया था, रशिया से आया है ना। प्लानिंग को नॉर्मली जोड़ के देखा जाता है सोशलिस्ट कंट्रीज के साथ में। सोशलिस्ट कंट्री में क्या होता है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं कंट्री के, सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसकी ऑनरशिप किसके पास चली जाती है, ऑनरशिप चली जाती है स्टेट के पास, और स्टेट विल डिसाइड कि रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है, और इसके लिए की जाती है प्लानिंग, राइट। नॉर्मली इसको सोशलिस्ट कंट्री के साथ जोड़ करके देखा जाता है। तो क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होती, होती है, लेकिन जिस तरीके की सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखी जाती है ठीक वैसे ही नहीं होती। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, और प्रेजेंट जिस प्रकार की इकोनॉमी हमारी है, क्या हमें प्लानिंग की जरूरत है। देखो तो प्लानिंग क्या है पहले वो समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे कि हमें क्यों जरूरी है प्लानिंग, क्या सिर्फ सोशलिस्ट कंट्री में चाहिए या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी चाहिए, क्या कुछ है उसके बारे में। तो सीधी सी बात है, प्लान्स एंड प्रायोरिटीज किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में होता क्या है, प्लानिंग में हम क्या काम करने वाले हैं उसका एक फ्रेमवर्क हमारे पास होता है। हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, हम कौन से गोल्स को अचीव करने वाले हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज रहने वाली हैं, उसका हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है। लेकिन क्या प्लानिंग कैसे डिसाइड कर ली जाती है, उसके लिए भी तो कुछ है ना। जैसे प्लान कर लिया हमने कि आगे चल करके हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो कैसे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए कुछ तरीका होगा ना, प्रोसेस होगी उसकी। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे पास प्लानिंग करने के लिए डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे पास होना चाहिए डेटा, हमें पता हो स्टेटिस्टिक्स का क्या है, कितने नंबर्स हैं, नंबर्स में एक्चुअल में हमारे पास चीजें होनी चाहिए। तो जो स्टेटिस्टिकल डेटा जो होता है उसकी वजह से हम अच्छे से प्लान कर पाते हैं, और इसके अलावा जो हमारे आउटकम्स हैं काफी हद तक हम उनको भी प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ओके हम अगर इतना इनपुट डाल रहे हैं, इस रिसोर्स को इस तरीके से यूज करेंगे तो हम ये अचीव कर सकते हैं, आउटकम्स जो हैं हम अच्छे से प्लान कर पाएंगे। और डेटा कैसा होना चाहिए, हमारे पास डेटा कलेक्शन जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, साथ ही साथ रिलायबल डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आप देखो बहुत सारे हमारे यहाँ जो प्लानिंग है वो या तो सेंसिस वाले डेटा पे किए जाते हैं, या जो कास्ट बेस्ड सेंसिस होता है, सोशो इकोनॉमिक सेंसिस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस जो होता है, नॉर्मली उसके बेसिस पे हम जो भी हमें गवर्नमेंट प्लान करती है वो तैयार किया, वो प्लानिंग तैयार की जाती है। तो वो जो डेटा है वो काफी रिलायबल होना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, देखिए जब भी हम प्लान करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि वो
प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकती है अगर हमारी कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसी है जहां पे प्लानिंग नहीं लागू की जा सकती, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो सेकंड रिक्वायरमेंट है। किस प्रकार की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे लैंड रिफॉर्म की बात हो गई, राइट, के अलावा मान लीजिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के आती है गवर्नमेंट, तो इस सारी चीजों से क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की वो अच्छी हो रही है और उससे हम प्लानिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। लैंड रिफॉर्म से हमारा क्या मतलब है, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर एक कम्युनिटी का बहुत ज्यादा कंट्रोल है और दूसरी कम्युनिटी के पास वो न के बराबर है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, थोड़ी बहुत इक्वालिटी, आपको थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी चल जाती है, बट अगर बहुत ज्यादा होगी तो फिर प्लानिंग उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा और क्या चीज है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड प्लीज आप इन पॉइंट को नोट डाउन करके चलिए। फर्स्ट है स्टेटिस्टिकल डेटा, सेकंड है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कितना भी अच्छा आप प्लान बना लो, प्लान बनाने के लिए भी और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो मिसमैनेजमेंट ना हो रिसोर्सेज की, इसके अलावा करप्शन के अलावा इनएफिशिएंसी, ये जो भी हम प्लान कर रहे हैं ना, इन चीजों को खत्म कर देते हैं। वो प्लानिंग का कोई मकसद रह नहीं जाता, उसका कोई ऑब्जेक्टिव रह नहीं जाता अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रिलायबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर क्या हमारे यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्लानिंग कर सकते हैं? इसमें कहा गया कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हैं प्लान करने के लिए, तो पहली बात तो प्लान करने के लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूट्स डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ में हमें चेंज लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो कैपिटल है हमारी, वो और फिजिकल रिसोर्सेज, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सारे जो है हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी जा करके हम अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे और प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पाएंगे। देन देयर शुड बी सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, बहुत ज्यादा जरूरी है सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन। अगर अल्टीमेटली लोग ही, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, वो उनके पार्टिसिपेशन से ही है। अगर वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, जब तक कोई भी प्लान में सिटीजन्स इन्वॉल्व नहीं है तब तक प्लान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर डिसाइडिंग फॉर द पीपल, जो कि सही नहीं है। अगर आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करा रहे, दैट मीन्स यू आर डिसाइडिंग फॉर द पीपल, वो प्लान कैसे अच्छा हो सकता है? तो सिटीजन्स को एजुकेट किया जाना चाहिए, उनको अवेयर करवाया जाना चाहिए और उनको बताया जाए कि हम ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, उस प्लानिंग की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री में प्लानिंग के लिए। कौन कौन से, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला है डेटा अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड एंड रिलायबल डेटा हो हमारे पास। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंड्यूसिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, सो दैट प्लान्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, उसमें मिसमैनेजमेंट, करप्शन, इनएफिशिएंसी प्लानिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स में, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनमें ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छे होने चाहिए एंड देयर मस्ट बी सिटीजंस पार्टिसिपेशन, वो प्लानिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस टाइप की प्लानिंग होती है और इंडिया में किस प्रकार की है। तो फिर हमें जो हमारी मशीनरी ऑफ प्लानिंग है, किस टाइप के इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो समझने में हमारे लिए ज्यादा आसानी रहेगी। देखिए किस टाइप की प्लानिंग है वो काफी हद तक डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। इकोनॉमिक प्लानिंग की जा सकती है और कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी की जा सकती है। इट्स नॉट लाइक कि सब सोशलिस्ट में है, कैपिटलिस्ट में भी है। कैपिटलिस्ट में जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, और सोशलिस्ट जहां पर सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी को, और मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग तीनों में की जा सकती है, कैपिटलिस्ट में भी, सोशलिस्ट में भी और मिक्स्ड इकोनॉमी में। लेकिन तीनों में इसका जो रोल है वो डिफर करता है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पे किस प्रकार की प्लानिंग जो है वो की जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कोई परफेक्ट एग्जांपल तो देखो ऐसा नहीं मिलेगा, बट क्लोजली आप मान सकते हो यूएसए को और कुछ यूरोपियन कंट्रीज को, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को आप इसमें मान सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है,
इस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम में प्लानिंग जो है वो किस टाइप की होती है? इंडिकेटिव टाइप की होती है। इट इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? इंडिकेट करना, जब हम बताते हैं ना, संकेत देना कि हाँ ये वाला करना है ये वाला नहीं करना। एक तो हम उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई तुझे जाना ही है, एक हम उसको बता रहे भाई यहाँ जा सकते हो तुम, ये काम तुम अपना सकते हो। तो एक तरीके से यहाँ पर आप प्लान नहीं कर रहे, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप प्लान नहीं कर रहे, आप सामने वाले को बता रहे हो ऐसा किया जा सकता है, राइट? तो इंडिकेटिव टाइप होती है, डेमोक्रेटिक है इन नेचर। इस टाइप की प्लानिंग में क्या होता है, जो स्टेट इंटरवेंशन है वो बहुत लिमिटेड होता है। कैपिटलिस्ट का मतलब ही ये है, कैपिटलिस्ट का, कि स्टेट इंटरवेंशन बहुत कम होगा। कहाँ तक सीमित है? प्लान फॉर्मुलेट करो और इनडायरेक्ट कंट्रोल्स अपनाओ, ठीक है? प्लान फॉर्मुलेट करो और इनडायरेक्ट कंट्रोल अपनाओ। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखिए, नॉर्मली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का कंट्रोल किसके पास है? या स्टेट के पास है या मार्केट के पास है? हमें पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो मार्केट के पास है। रिसोर्सेज जैसे कंपनीज किसकी ज्यादा है, जैसे कौन से सेक्टर में कितना प्रोड्यूस करना है, ये स्टेट डिसाइड कर रहा है या मार्केट डिसाइड कर रही है? ऑब्वियसली मार्केट को जहां पे प्रॉफिट नजर आएगा वो उसी सेक्टर्स में अपनी कंपनीज लगाएंगी, तो मार्केट हमेशा प्रॉफिट वाले उस पर चलती है, जबकि स्टेट का यहाँ पर रिसोर्सेज पे कंट्रोल बहुत लिमिटेड है। तो एक बात बताओ, जब रिसोर्सेज पे कंट्रोल ही बहुत लिमिटेड है तो क्या स्टेट डायरेक्ट कर सकता है उनको, उनको ऑर्डर दे सकता है? नहीं, वो मार्केट को बस सलाह दे सकता है, काइंड ऑफ एडवाइस दे सकता है कि नहीं, हम ब्रॉड मेजर्स लिए जा सकते हैं कि आगे चल करके, जैसे इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब कोई एक सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है तो वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉजिटिव जो है वो एफर्ट लगाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, एक सेक्टर में से हमें पीछे हटना चाहिए, जैसे बहुत सारी कंपनियां मान लीजिए वो गोल्ड बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रही है जिसकी वजह से हमारे यहाँ फिस्कल डेफिसिट बहुत हो रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि हाँ गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दें। ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट डायरेक्टली तो मना नहीं कर रही कि आप गोल्ड इंपोर्ट ना करो, बट इनडायरेक्ट मेजर्स लगा रही है। तो किस प्रकार की इकोनॉमी होनी चाहिए, शेप कैसे होनी चाहिए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन ना होकर के कैसा होता है, इनडायरेक्ट रोल होता है, और उसी को हमने क्या बोला है, इंडिकेटिव प्लानिंग बोला है। प्लीज पे फोकस, पे अटेंशन टू दिस वर्ड इंडिकेटिव टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि आगे चल करके आपको इन्हीं में जो है समझना है इंडिकेटिव टाइप कौन सा है और इंपेरेटिव टाइप कौन सा है। स्टेट जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है टू डिसाइड देयर कोर्स ऑफ एक्शन। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स न के बराबर होते हैं, और जितने भी होते हैं वो सिर्फ इसीलिए कि जो इंडिविजुअल सेक्टर है उनके टारगेट को वो अचीव कर पाए, एंड इसकी वजह से क्या होता है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स न होने की वजह से ये प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी इनइफेक्टिव हो जाती है, या इफेक्टिवनेस इसकी जो है वो कम हो जाती है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं क्या वो ऐसा अपनाएंगी, डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है। नॉर्मली जहां पे प्राइवेट सेक्टर बहुत डोमिनेट करेगा, डेवलप्ड वर्ल्ड में काइंड ऑफ इस प्रकार का एनवायरनमेंट, इस प्रकार की प्लानिंग देखी जाती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल एक नियर बाय हम पहुंच सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जैसे यूएसएसआर था। इस प्रकार की प्लानिंग होती है, प्लानिंग होती है जी इंपेरेटिव टाइप। इंपेरेटिव टाइप किस प्रकार की इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो टोटलिटेरियन है नेचर और ये डायरेक्शंस के बेसिस पे काम करता है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे अभी हमने बात करी थी इसमें, तो यहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन, ये तो मैंने आपको कैपिटलिस्ट का समझाया था, इसमें अगर मैं सोशलिस्ट का एक्सप्लेन करूं आपको, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट का इंटरवेंशन जो है वो डायरेक्ट है, स्टेट बता रहा है, क्यों, क्योंकि स्टेट का डायरेक्टली रिसोर्सेज पे कंट्रोल है। मार्केट को आना है नहीं आना ये भी स्टेट डिसाइड कर रहा है, तो स्टेट का कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत डायरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इंपेरेटिव होता है। इंपेरेटिव में क्या होता है, इंपेरेटिव प्लानिंग में और इंडिकेटिव प्लानिंग में फर्क क्या है, इंपेरेटिव में स्टेट का डायरेक्ट रोल रहता है और कंट्रोल रहता है, और इंडिकेटिव में स्टेट का इनडायरेक्ट रोल रहता है। स्टेट एक प्रकार से सिर्फ एडवाइज करता है, ठीक है? तो ये दो मेन जो है वो डिफरेंस है, आप प्लीज इन पे फोकस करना। मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसा है, आज के टाइम पे ये माना जाता है कि मोस्ट ऑफ जो इकोनॉमी है वो
थोड़ा बहुत मिक्स इकोनॉमी वाले मॉडल पे जा रही हैं। हाँ, मिक्स इकोनॉमी में वो किस साइड है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मिक्स इकोनॉमी में जैसे इस एंड पे आपका सोशलिस्ट है और इस एंड पे आपका सोशलिस्ट है और इस एंड के ऊपर आपका कैपिटलिस्ट है, तो आपकी इकोनॉमी यहाँ पर स्टैंड करिए कि यहाँ पर स्टैंड करिए कि यहाँ पर स्टैंड करिए, मतलब ज्यादातर आपके अंदर एलिमेंट सोशलिस्ट वाले हैं कि कैपिटलिस्ट वाले हैं वो डिपेंड करता है। बट मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो है आज के टाइम पे वो मिक्सड इकोनॉमी वाला मॉडल ही ऑलमोस्ट फॉलो कर रही है। क्या होता है मिक्सड इकोनॉमी में, भी एक लिमिट तक मार्केट भी है लेकिन स्टेट का कंट्रोल भी प्रेजेंट है। इट्स नॉट लाइक कि या तो स्टेट होगा या मार्केट होगी, दोनों ही आपको मिक्स्ड इकोनॉमी में मिल जाएंगे। तो वहां पर किस टाइप की प्लानिंग होती है, लेट्स फोकस। इस टाइप के सिस्टम में प्लानिंग करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि आपको दोनों ही सिस्टम्स की जो प्रॉब्लम थी, कौन कौन से, इंपेरेटिव की भी और इंडिकेटिव की, वो सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर आपने टैकल करना होता है। एक तरह तो आप इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हो, अच्छे से प्लान कर रहे हो, इकोनॉमिक प्लानिंग को अच्छे से आप चाह रहे हो कि हाँ जो आपके रिसोर्सेज उनको यूज किया जा सके, तो कंप्लीटली इंडिकेटिव टाइप उसको नहीं बना के ले जा सकते, राइट। अगर आपके पास स्टेट कंट्रोल है थोड़ा बहुत, मार्केट को आप कंप्लीटली नहीं कर रहे हो, तो आप इंडिकेटिव टाइप भी नहीं ले जा सकते। और सिंस आपका सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल नहीं है, मोनोपोली नहीं है, तो फिर आप इंपेरेटिव टाइप भी नहीं लेके आ सकते। तो दोनों का मिक्सचर होता ही है। स्टेट को एक प्रॉपर मिक्सचर को ढूंढना पड़ेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल के, कहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल्स हो सकते हैं, कहाँ पर इनडायरेक्ट कंट्रोल हो सकते हैं। There is on the other hand, it cannot give the impression of its being non-existence, और ना ही ये बहुत ज्यादा rigid हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत clear भी नहीं हो सकते, बहुत rigid भी नहीं हो सकते, और कई बार ऐसा होगा कि हाँ कुछ चीजों में आपको बहुत rigid होने लगेगा। जब भी मतलब planning को समझना हो ना, तो जैसे RBI का काम होता है, जब वो RBI अपनी monetary policy को direct कर रहे हैं, तो कुछ RBI के पास control direct होते हैं और कुछ जो है वो इनडायरेक्ट होते हैं। आरबीआई क्या करता है, कुछ जगह पे डायरेक्टली बताता है, जैसे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए कुछ डायरेक्ट मेथड्स उनको अपना लिया, उस टाइम पे थोड़ा सा हो सकता है रिजिड हो गए, वे इंटरेस्ट रेट तय कर लिए। लेकिन इनडायरेक्ट भी हो सकता है, कौन सी, जैसे होता है ना मॉरल सुएशन, के कैसे वो काम कर रहे हैं बैंक्स, उनको जाकर के मॉरली उनको समझाना, उनसे बोलना कि नहीं नहीं आप इस सेक्टर में नहीं, इस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कीजिए, तो इनडायरेक्ट मेथड भी होते हैं। कुछ वैसे ही प्लानिंग जो है वो आप मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी देख सकते हो, कुछ डायरेक्ट कंट्रोल्स है और कुछ इनडायरेक्ट कंट्रोल्स होते हैं। तो ये तो था आपका मेजर डिफरेंस तीनों कंट्रीज में किस टाइप का आपको प्लानिंग प्रोसेस देखने को मिलती है। अब ब्रॉडली थोड़ा सा समझ लेते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग में और इंपेरेटिव प्लानिंग के अंदर क्या फर्क है। इतना हमें समझ में आ गया इंडिकेटिव और इंपेरेटिव कौन कौन सी इकोनॉमी में लागू की जा सकती है, बट मेजर दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ठीक है। दोनों में डिस्टिंक्शन जो है इंडिकेटिव एंड इंपेरेटिव में, वो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान में भी है बट इम्प्लीमेंटेशन में है, जैसे प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसमें मेन यहाँ पर डिफरेंस नजर आता है। इंडिकेटिव प्लानिंग में मेनली हम इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या डिजायरेबल है विद एक्सपेक्टेशन कि इकोनॉमी उस चीज को फॉलो कर लेगी, जबकि इंपेरेटिव प्लानिंग में हम क्या कहते हैं, हम बताते हैं कि क्या डिजायरेबल है, क्या हम चाहते हैं, साथ ही साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि इकोनॉमी उसी हिसाब से काम भी करें। मतलब सिर्फ प्लान करना नहीं, हम इम्प्लीमेंट भी यहाँ पर करवा रहे हैं इंपेरेटिव प्लानिंग में। तो इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या हो रहा है, जो आपकी इंडिकेट कर रही है यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली है, उसमें क्या हो रहा है कि जो एसेंशियल फंक्शन है प्लानिंग के, इस कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट, कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया जा रहा है। तो इसके लिए तीन डिफरेंट अप्रोच है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन अचीव करने की हमारे पास तीन अप्रोच होती हैं, फोरकास्टिंग अप्रोच, पॉलिसी अप्रोच, कॉर्पोरेट अप्रोच। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कैसे जो आपका इंडिकेटिव है उसमें काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोरकास्टिंग अप्रोच है, फोरकास्ट आता है ना वेदर फोरकास्टिंग, तो पहले ही आप बता रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो लोगों को कि इन फ्यूचर ये होने वाला है, इससे क्या होगा मार्केट को हेल्प मिल जाएगी डिसीजंस लेने में। इंडिकेटिव प्लानिंग में सिर्फ आप
प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ आप चाहते हो कि कैसा फ्यूचर होना चाहिए। जैसे वेदर फोरकास्ट में तो हम सिर्फ बताते हैं ना कि आज शाम को बारिश होगी कि नहीं होगी, इंडिकेटिव प्लानिंग में ये भी बताया जाता है, साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आज हम कैसा मौसम चाहते हैं, राइट। तो इंडिकेटिव प्लानिंग में सिर्फ आपको प्रोजेक्शन ही नहीं, डिजायरेबल जो फ्यूचर है उसको लेकर के एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी आपको बताई जाएगी। जैसे ग्रोथ रेट वो क्या चाहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम कैसी होनी चाहिए, मतलब बाहर और अंदर जो है वो किस प्रकार के ट्रेड को लेकर के या मार्केट को लेकर के इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। सो जो फोरकास्टेड फ्यूचर होता है ना, इससे हमें हेल्प मिल जाती है प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन टू द बेसिक अनसर्टेनिटी टू विच यूनिट्स इन दीज इकोनॉमिक्स आर सब्जेक्टेड। ठीक है, बेसिक जब हम फोरकास्ट करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आज शाम को ऐसा होने वाला है, जैसे नॉर्मली प्लान कर लिया ना हमने कि हाँ आज शाम को बारिश होने वाली है, तो हमें पता चल गया, हम अपने सारे जो काम है वो हम सोचेंगे कि हाँ बारिश स्टार्ट होने से पहले हम खत्म कर लें। तो यही होता है फोरकास्ट से आप अपने डिसीजंस को जो है वो चेंज कर सकते हैं या बेटर वे में प्लान कर सकते हैं। तो ये भी तीन तरीके से होती है ना। कैसे? एक तो इससे इकोनॉमी का जो फ्यूचर पाथ है उसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है और आप अंदाजा लगा सकते हो, तो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा, जब हम कलेक्टिवली फोरकास्ट कर रहे हैं एट द नेशनल लेवल, इससे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थोड़ी सी कंसिस्टेंस और थोड़ी सी कोहरेंट नजर आती है। इससे पता चल गया ना, सब लोग बारिश आने वाली है तो सब लोग एफर्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ मैं एफर्ट कर रही हूँ, सब लोग एफर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा कोहरेंट, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उसके अंदर नजर आएगी। इट प्रोजेक्ट अ डिजायरेबल इमेज ऑफ द फ्यूचर फॉर एवरीवन, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर वी वांट टू हैव फॉर आवर इकोनॉमी, डिजायरेबल इमेज सबके सामने गई। तो इस अप्रोच के साथ फ्यूचर ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, कोहरेंट, डिजायरेबल कोऑर्डिनेट किया जाता है सारी यूनिट में। इट डज नॉट नेसेसरली इंश्योर कोऑर्डिनेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिकॉज इट लीव इम्प्लीमेंटेशन आउट ऑफ द पिक्चर। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, मान लीजिए सेमीकंडक्टर्स हमारी कंट्री के अंदर बहुत अच्छे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे फोकस किया जाए, तो व्हाट गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट एक प्रोजेक्शन लेकर के आएगी कि हाँ इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि इतने यूनिट, 50 यूनिट सेमीकंडक्टर बनाने की हमारे यहाँ लगे, इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रही है। अब क्या है, मार्केट उस हिसाब से काम कर सकते हैं बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड द डेटा टू देम, राइट। फोरकास्ट विल हेल्प अस, जैसे वी सेड ना कि 2030 तक जाते हुए हमें इतने परसेंटेज जो है अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाना है, हमें नेक्स्ट 10 ईयर्स में इतना काम करना है, तो वो जो प्रोजेक्शन गया उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाती है। ये था आपका फोरकास्ट अप्रोच, ठीक है, फोरकास्टिंग अप्रोच। नेक्स्ट कौन सी थी, पॉलिसी अप्रोच। पॉलिसी अप्रोच में क्या हो रहा है, देखिए कोऑर्डिनेशन है, राइट, किस लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे। यहां पर क्या हो रहा है कि हम जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, उनको हम पॉलिसी लेवल में लेकर के आ रहे हैं। ये दो काम करती है, कैसे, जो इस टाइप की प्लानिंग है इट बेसिकली कोऑर्डिनेट द पॉलिसी मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट विद इन अ कोहेरेंट होल। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हमारी ना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, अब इसके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा हर प्रकार के सेक्टर पे थर्ड लार्जेस्ट पे। साथ ही साथ हम जा रहे हैं कि आगे चल करके हमारे यहाँ जैसे नेट जीरो एमिशन हो, हमारे यहाँ कार्बन का जो है वो नेट जीरो एमिशन हो, तो फिर क्या एक सेक्टर के फोकस करने से नेट जीरो अचीव हो जाएगा, नहीं, हमें सारे सेक्टर्स में, ट्रांसपोर्टेशन पे भी, कम्युनिकेशन वाले में भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, हर चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर के फाइनली आप नेट जीरो एमिशन वाले उसको अचीव कर पाओगे। तो इस टाइप की प्लानिंग में क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग में एक कोहरेंसी, एक कंप्लीटनेस जो है आपको नजर आती है। इनडायरेक्टली बाकी की जो इकोनॉमी है वो जैसे जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी की गाइडलाइंस होती है वैसे काम करने की कोशिश करती है। और एक चीज काफी हद तक सही है, चाहे बेशक आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, जैसी गवर्नमेंट होगी ना वो रिदम, वो टोन जो है वो गवर्नमेंट ही सेट करती है। फिर आता है जी कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में क्या हो रहा है, कुछ कुछ मार्केट से रिलेटेड ही है, तो ऐसा ही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन को अचीव करने की कोशिश की जा रही है एट ऑल लेवल, इंडिकेटिव प्लानिंग एट ऑल लेवल। पहले अगर हम थोड़ा सा समझे तो जैसे जो इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं उनके बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जा रही है, कौन से इकोनॉमिक ग्रुप, जो जिनके पास मार्केट पावर है। दूसरे में क्या हो रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन अचीव की जा रही है। तीसरे इसमें अगर हम देखें, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट प्लेस में हम इकोनॉमिक ग्रुप हैं
जो मार्केट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अचीव कर रहे हैं हम। सेकंड प्लेस में हम पब्लिक एंड प्राइवेट एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अंडर दिस अप्रोच एक प्लान की आउटलाइनिंग, एक प्लान जो है वो तैयार किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में फिर वो कंपनियों के साथ, जो मैनेजमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो डिस्कस किया जाता है, ट्रेड यूनियन के साथ डिस्कस किया जाता है, जो एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट वाले लोग हैं, कंज्यूमर ग्रुप है, फाइनेंशियल कम्युनिटी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कस किया जाता है। तो इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ जो है वो हमें पता चल जाती है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, हम फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं सो दैट वी कैन हैव अ बेटर आइडिया ऑफ फ्यूचर। हम पॉलिसी लेकर के आते हैं सो दैट गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, गवर्नमेंट किस प्रकार के आइडियाज को पुश करने की सोच रही है वो क्लियर हो सके। कॉर्पोरेट में ये होता है कि जो हमने प्लान करा वी विल डिस्कस विद द प्राइवेट सेक्टर, द कॉर्पोरेट ग्रुप, सो दैट जो एग्जीक्यूशन है हमारे प्लान का वो और भी अच्छे से हो पाए। तो ये तीन टाइप की प्लानिंग है कहाँ पर देखने को मिलती है आपको, ये इंडिकेटिव टाइप, मतलब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पर ये चीज नजर आएगी। नाउ लेट्स फोकस ऑन द इंपैरेटिव प्लानिंग। इंपैरेटिव प्लानिंग में क्या हो रहा है बेसिकली कि जहां पर इम्प्लीमेंटेशन भी साथ में की जा रही है, आप प्लान तो फॉर्मुलेट कर ही रहे हो साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, तो प्लानिंग के दोनों ही जो एस्पेक्ट है, प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर श्योर एंड सर्टेन होते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो फॉर्मुलेशन वाला पार्ट भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। इंपेरेटिव प्लानिंग का लॉजिक क्या है, थोड़ा सा सिंपल है। एक जैसे ही आपने प्लान बना लिया, इम्प्लीमेंटेशन जो है इज अ मैटर ऑफ एनफोर्समेंट, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती बिकॉज जब प्लान किया जाता है ना उसी में इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस भी इंक्लूडेड होती है, और इसीलिए इसको डायरेक्टिव प्लानिंग जो है वो बोलते हैं। कैसे किया जाता है, इसके भी दो तरीके हैं, एक होता है कमांड सिस्टम और एक होता है प्राइस सिस्टम। कमांड तो ऑर्डर देना, प्राइस सिस्टम प्राइस को रेगुलेट करना, यही होता है। कमांड सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्शंस दे रहे हैं इकोनॉमिक यूनिट को सो दैट दे कैन फुलफिल प्लान टारगेट विच आर बाइंडिंग ऑन देम। स्टेट जो है ये इंश्योर करता है कि जितना भी आपने प्लान करा उसके हिसाब से उनको रेगुलर सप्लाई मिल पाए। प्राइस सिस्टम में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है प्राइस सिस्टम, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंटीग्रेटेड प्राइस स्ट्रक्चर लेकर के आ रहे हैं सो दैट वी कैन इंश्योर कि रिसोर्सेज वो उस प्लान ऑब्जेक्टिव को लेकर के चल रही है। सीधी सी बात है कि एक तो होता है किसी को बताना है भाई तू यहाँ चला जा, और एक उसको जबरदस्ती वहां तक ले करके जाना, तो दोनों में इतना ही फर्क होता है। हम यहाँ वहां पर हम डायरेक्शंस दे रहे हैं, और सॉरी वहां पर हम गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनको डायरेक्शंस, इनको कमांड दे रहे हैं। सो इंडिकेटिव प्लानिंग की जब हम बात कर रहे थे, मतलब कैपिटल उस वाली इंडिकेटिव प्लानिंग वाली, फोरकास्टिंग वाली जो चीज है वो इंपेरेटिव प्लानिंग में भी है, राइट? फोरकास्ट करना दोनों ही प्लानिंग में है, बट किस जगह पे आती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। फोरकास्टिंग को आप कैसे यूज कर रहे हो इन इंडिकेटिव प्लानिंग एंड इंपेरेटिव प्लानिंग इज टोटली डिफरेंट। इंडिकेटिव प्लानिंग में प्लान फॉर्मुलेशन के साथ साथ फोरकास्टिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम भी करती है, और इंडिकेटिव प्लानिंग में जो फोरकास्ट है वो माना जाता है कि हाँ अगर हमने फोरकास्ट कर दिया तो सारी जो इकोनॉमिक यूनिट है वो धीरे धीरे अकॉर्डिंगली जो प्लान था हमारा उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगी। Forecast itself is coordinated by the past and likely future behavior of the various economic unit. Once we forecast, तो क्या होता है basically, past में ऐसा कुछ हुआ, government ने ऐसा कुछ decide किया, वही ideas हमारे mind में होते हैं, उन चीजों को implement करके हम orders को या regulations को हम follow करने की कोशिश करते हैं। Imperative planning में क्या होता है, planning forecast जो है वो पास्ट प्लान से कंडीशन होती है, पिछली बार हमने ऐसा किया तो इस बार भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। साथ ही साथ जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव होता है हमारे पूरी सोसाइटी का वो भी फोरकास्टिंग में क्या होता है, एक टेक्निकल सप्लीमेंट के तौर पे होता है प्लान मेकिंग के लिए। हम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं कोई फोरकास्ट कर रही हूँ तो मैं क्या काम करते आ रही हूँ मैं उस चीज का भी ध्यान रख रही हूँ, और क्या हमें अचीव करना है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। सारी बात को समअप किया जाए, इंडिकेटिव प्लानिंग क्या है, बेसिकली इंडिकेट करना व्हाट इज डिजायरेबल, और इस उम्मीद के साथ कि इकोनॉमी आपकी बात मान लेगी। वेयर इज इंपेरेटिव प्लानिंग क्या होता है, ना केवल प्लान करना बल्कि ये एंश्योर करना, ये लागू करवाना कि इकोनॉमी जो है जैसे आपके प्लान्स है वैसे ही उसको शेप कर रही है, वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंपेरेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग।
प्लानिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग। अगर मैं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ वापस जाऊं तो यहाँ पे आप फोकस करते हैं कि ये जो फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया था मशीनरी ऑफ प्लानिंग, इससे पहले हमने कवर किया है इंडिकेटिव प्लानिंग और आप इसमें ऐड कर सकते हैं इंपैरेटिव प्लानिंग। दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए बहुत क्लियरली क्या है इंडिकेटिव प्लानिंग और इंपैरेटिव प्लानिंग। और कल हम एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से हमारे यहाँ प्लान बनाए जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो प्लानिंग मशीनरी है। बिकॉज एक बार हमें प्लान को लेकर के आइडिया हो गया तो हमारे लिए बहुत समझना आसान हो जाएगा कि प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग जो है वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है जी। हाँ, इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपके लिए खुद के लिए क्या काम है, सिंपल सा है। आप इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है इन पहले तो इन दोनों को पढ़ेंगे, साथ ही साथ फिर आप पीवाई क्यूज देखने की कोशिश करेंगे, कम से कम पिछले 5 सालों के, अगर पॉसिबल हो तो पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज जैसे भी हमें टाइम मिलता है हम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करेंगे। लेट्स फाइंड आउट कौन कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, राइट? ओके, तो फिर कल मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।